Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are fine. So here, psychologist Ariba server. So today we have a topic about psychiatric history. So firstly, we discuss about what is psychiatric history. Psychiatric history एक ऐसी result of a medical process है जिससे हम clinical work में working के time पर या field में किसी भी person की mental health problem या systematically उसके mental health records के ऊपर इंटरव्यू करके पेशेंट के साथ उसकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में डिडक्शन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं उसके मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पर साइकाइट्रिक फॉर्मुलेशन के जरिए किसी भी पर्सन को हम एग्जामिन करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है टेक हिस्ट्री सिमिलर टेक हिस्ट्री लेते हैं जिसमें वो साइकोलॉजिकल हिस्ट्री का नाम दिया जाता है इसको, जिसमें आर्टिकल्स मेनली कवर किए जाते हैं इनिशियल इनिशियल असेसमेंट से लेकर पर्सन के प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स और ऑल ओवर द थिंग्स के ऊपर। उसके बाद जो है वो हम वर्क करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री ये है कि किसी भी पर्सन की मेडिकल या मेडिसिन पेशेंट हिस्ट्री में हम उसके अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ पेरेंट्स लाइफ से रेलिवेंस उसकी गाइडलाइन के ऊपर हम अटेम्प्ट करते हैं किसी भी सफिशिएंट या सकेंट जो है समरी के ऊपर, जिसमें किसी भी पर्सन से हम क्वेश्चन आइस करते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, दीज हाउ हैव यू बीन फीलिंग लेटली, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर वी यूज इन द बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ किसी किसी भी पर्सन से उसकी हिस्ट्री टेकिंग के ऊपर हम ये क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद हम किसी भी पर्सन की जो है वो बेसिक डिटेल्स भी लेते हैं, जैसे कि किसी पर्सन के अंदर हम उसकी पेशेंट की एजुकेशन स्टेटस, रिलीजियस ऑक्यूपेशनल रिलेशनशिप स्टेटस, एड्रेस से कांटेक्ट करते हैं, जिससे हम किसी भी पर्सन की सेटिंग सिचुएशन के ऊपर या सिचुएशंस के ऊपर वर्क करके उसके अंदर से डिटेल्स लेते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर उसका कल्चर भी आ सकता है, उसका सुटेबल इंट्रोडक्शन आ सकता है, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद एक सोर्स ऑफ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम किसी भी पर्सन की जो है वो डिटर्मिनेशन को यूज करते हैं कि हाउ डिड यू दे गेट टू बी इन द इंटरव्यू, कि वो ये इंटरव्यू तक कैसे पहुंचे। फिर किसी पर्सन ने बताया हाउ वेयर दे रेफर टू समवन टू द क्लिनिशियंस ऑफ देयर रिलेटिव फ्रेंड्स। उसके बाद हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं कि दैट डिड दे कम लुकिंग फॉर हेल्प, क्या वो भी कभी हेल्प के लिए आए थे, जो कि आप हमारे लिए हमारे पास अपनी हेल्प के लिए आए हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। दीज आर द मेथड ऑफ सोर्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्किंग टू द पेशेंट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद मेन चीफ कंप्लेंट्स के ऊपर आ जाते हैं किसी भी पर्सन की जो है वो मेन प्रॉब्लम्स क्या है, जिसके अंदर उसकी जो है वो प्रीवियस सेक्शन की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन भी आ सकती हैं, उसके पोस्ट ट्रोमेटिक डिस्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, कोई अल्कोहल यूज या कोई सब्सटेंस यूज भी आ सकता है, पैनिक डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, प्री मेच्योर इजैकुलेशंस भी आ सकती हैं। इस तरह की कॉमन चीजों के जरिए हम उस पर्सन की प्रेजेंट इलनेस को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम किसी पर्सन की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के ऊपर ये प्रेजेंट इलनेस को कैसे जानते हैं, हम उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, व्हेन डिड दे स्टार्ट, कि कंप्लेंट्स कब स्टार्ट हुई, हाउ डिड दे स्टार्ट सडनली स्लोली और इन फिट्स और इन स्टार्ट्स। फिर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं हैव यू फ्लक्चुएट ओवर टाइम, क्या ये फ्लक्चुएट करती हैं, हाउ व्हाट डज द पेशेंट डिस्क्राइब एज द एसेंशियल फीचर्स। ये तमाम तर कंप्लेंट्स जो है ये हमारा हाइपोथेसिस होता है या डायग्नोसिस होती है किसी भी पर्सन की जो है वो उसको डिटेल्स जानने में कि उस पर्सन के अंदर किस तरह की डिजीज जो है वो डायग्नोज होती है। बाय द फॉर्मुलेशन ऑफ दीज क्वेश्चन हम उसकी जो है वो पर्सनल मैनेजमेंट प्लान को जो है वो चेक करते हैं और डिफिकल्टीज को चेक करके उसको कोई सुसाइडल थॉट्स तो नहीं है, कोई सेक्सुअल डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही, ये सब चीजें हम उसका मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए ये क्वेश्चन हम उससे करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री जो है वो डिवाइड की जाती है साइकाइट्रिक हिस्ट्री में और प्रीवियस एपिसोड, जो कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स भी हो सकती है और ऑनगोइंग साइकाइट्रिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह का सब्सटेंस यूज या ड्रग यूज हो सकता है, किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर किसी भी पर्सन को मेडिकल या साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं,
जो कि हिस्ट्री ऑफ अटेम्प्ट में आ सके, जिसमें अल्कोहल का, टबैको का या इलिसिट ड्रग्स का यूज भी किसी पर्सन को इस तरह की बीमारियों में ले जा सकता है। अब इसके अंदर हम मेडिकल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट इलनेस को या बहुत पास्ट एंड करंट सिग्निफिकेंट मेडिकल इश्यूज के साथ, इसमें अगर कोई इंजरी हुई हो, कोई हेड इंजरी, कोई सीजर आया हो, कोई मेजर सर्जरी हो, या कोई मेजर इलनेस से कोई पर्सन गुजरा हो, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए रहते हैं, ताकि ओरिएंटेशन में हमें मालूम हो सके कि उसको कोई प्रॉब्लम ऐसी तो कहीं उन मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से तो उसको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा। फिर फाइनली हम इंक्लूड करते हैं उसके फिजिकल इमोशनल्स को, उसके सेक्सुअल अब्यूज को, उसके कोई भी कोलेटरल सोर्स ऑफ पेशेंट के तमाम एस्पेक्ट्स को, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट से तो नहीं गुजरा, किसी इंसिडेंट से तो नहीं गुजरा, ये तमाम चीजें फिर हम कलेक्टिवली चेक करते हैं, और उस पर्सन की हम जो है वो हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री में रहते हैं, फैमिली हिस्ट्री में जो है वो बेसिक चीजें यूज की जाती है, बायोलॉजिकल फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, उसके ऊपर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री तो नहीं है फैमिली में, कोई एंजाइटी की हिस्ट्री तो नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की हिस्ट्री किसी उसकी फैमिली में तो मौजूद नहीं है, वो चीज पूछी जाती है। फिर उसके बाद कोई भी जो है वो अब्यूज ऑफ ड्रग्स या किसी भी तरह की ह्यूमिलेशन या अब्यूज का कोई सिस्टम फैमिली के जेनेटिक्स में तो नहीं आ रहा, उन सब चीजों को चेक किया जाता है। उसके बाद जो है वो डेवलपमेंटल हिस्ट्री के ऊपर वर्क किया जाता है, कि डेवलपमेंटल के सिग्निफिक डॉक्यूमेंट्स के जरिए सिग्निफिकेंट इवेंट्स को चेक किया जाता है, कि पेशेंट की लाइफ में ऐसे कौन से नेटल फैक्टर्स आ रहे हैं या मटेरियल्स आ रहे हैं जो उसे इलनेस या कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेकर जा रहे हैं विद द प्रेगनेंसी। ठीक है, फिर उसको डॉक्यूमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्डहुड इलनेस प्रॉब्लम्स, यानी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक किस किस तरह की चीजों से वो गुजरे, कौन कौन से रिलेशनशिप से गुजरे, कौन कौन से बिहेवियरल कॉम्प्लिकेशन आए, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आए, कोई ऑक्यूपेशनल कॉम्प्लिकेशन आए, कुछ कुछ भी हुआ, स्टार्ट टू एंड मैरिज में, पेरेंटहुड में, रिटायरमेंट प्लान में, कोई डेथ इशू हुआ, कोई लॉस ऑफ डेथ या कोई पेरेंट इशू हुआ, या कोई फाइनेंशियल सक्सेस प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ, उसके अंदर जो है वो उसकी तमाम तर डिवेलपमेंटल हिस्ट्री ली जाती है, चाइल्ड टू यंगहुड तक, चाइल्ड टू ओल्ड एज तक। ठीक है, उसके बाद सोशल हिस्ट्री, यानी कि जिस एज में वो प्रेजेंट है, फिर सोशल हिस्ट्री ली जाती है, कि उसके फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसके फाइनेंस कैसे हैं, उसकी हाउसिंग कैसी है, उसके रिलेशनशिप अगर किसी के साथ है तो वो कैसा है, कोई ड्रग अब्यूज तो नहीं है, कोई अल्कोहल अब्यूज तो नहीं है, उसकी फ्रेंडशिप फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसका कल्चरल कैसा है, तमाम तरह चीजों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर हम उसकी जो है वो सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं उसके ऊपर, जिसके अंदर हम उस पर्सन की स्टार्ट टू एंड सारी हिस्ट्री को नोट करने के बाद चेक करते हैं कि उस पर्सन के अंदर किस किस टाइप ऑफ के डिसऑर्डर के सिम्टम्स आ रहे हैं। वो कोई एंजाइटी का डिसऑर्डर भी हो सकता है, बीच में डिप्रेशन का डिसऑर्डर भी हो सकता है, और स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, और बहुत तरह के डिसऑर्डर के सिम्टम हो सकते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि कौन से सिम्टम के डिसऑर्डर कौन से डिसऑर्डर के सबसे ज्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर उसको फिर हम जो है वो उस पर्सन को डायग्नोज करते हैं, और फिर उसके स्ट्रेसर्स को कम करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा इससे। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, मस्ट लाइक कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।